पहले साडा बिल बहुत ज़्यादा आता सी, हूँ जो दे भगवंत मान सरकार आई है साडा बिल जीरो आता है, तो इस करके हूँ सानू बहुत मुनाफा हो रहा है जेड़ा कि वो बच्चों की पढ़ाई काम आ सकता है। भगवंत सिंह मान जी का अं धन्यवाद करते हाँ कि जिन्होंने साडा बिल जीरो किया, माफ़ किया। भगवंत मान जी सरकार जो दी आई हुई है तो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो उन्होंने जो दे बिल माफ़ किए हैं, तो बिल नहीं आता है क्योंकि जो हूँ जो पैसे बचते हैं साढ़े घर के कामों के होर भी बहुत काम आते हैं, तो जिस तो अं बहुत सारा फायदा चुकते पे हाँ, तो क्योंकि बिल तो ही बहुत ज़्यादा परेशान से जिद करके हूँ जो बिल माफ़ हुए ने सारे लोग बहुत खुश ने, तो सारे का बहुत भला हो, तो असं उन्होंने बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं कि योजे काम उन्होंने बहुत किए, तो होर भी कर जो होर भी सानू बहुत फायदे हो। पहला कहंदे बिजली आए थोड़ी फ्री हो जू, मैं करती जीरो आंदा ना बिल, कहंदे ज्यादा देर नहीं दो चार महीने हो, दो साल हो गए बिजली बिल जीरो आंदा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हमेशा राजनीतिक उठापटक से घिरी रहती है, ऐसा ही फिर एक बार देखने को मिला है स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2024 से ठीक पहले। दिल्ली में एक नया विवाद खड़ा हो गया है और ये विवाद कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। तथा कथित दिल्ली शराब नीति केस के चलते जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने जेल से ही दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल की जगह आने वाले 15 अगस्त को झंडा फहराने के लिए एक नाम का सुझाव दिया गया है। ये सुझाव इसीलिए दिया गया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं। जिस नाम का सुझाव दिया गया है वो नाम दिल्ली की वर्तमान शिक्षा मंत्री आतिशी का है, लेकिन दिल्ली सरकार के विभाग ने सीएम अरविंद केजरीवाल के मंत्री के निर्देश को लागू करने से मना कर दिया है। दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी ने मंत्री गोपाल राय को इस बाबत चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में ये स्पष्ट संदेश दिया गया है कि दिल्ली में आने वाले 15 अगस्त को शिक्षा मंत्री आतिशी झंडा नहीं फहरा सकेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने आतिशी को झंडा फहराने की अनुमति नहीं दी है। इस मुद्दे पर अभी हाल फिलहाल में ही सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद सशर्त जमानत पर बाहर आए दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया ने जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के एलजी साहब को महाठग सुकेश चंद्रशेखर के पत्र का इंतजार रहता है, लेकिन दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के पत्र पर हजारों प्रकार की आपत्तियां हो जाती हैं। कि कोई जेल में बंद एक बहुत महाठग है, सुकेश नाम है उनका शायद, उनकी चिट्ठी जब लिखी जाती है वो कोई चिट्ठी लिखते हैं, सुकेश चिट्ठी लिखता है तो वो तिहाड़ प्रशासन भी बाकायदा एलजी साहब को सबमिट करता है और एलजी साहब भी बाकायदा उस पर एक्शन लेते हुए कार्रवाई करते हैं जो भी है, और जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर चुने हुए चिट्ठी लिखते हैं तो तिहाड़ प्रशासन भी और एलजी साहब भी, एलजी साहब तिहाड़ प्रशासन को कहते हैं खबरदार जो अगर इनकी चिट्ठी भेजी, और जब सुकेश चिट्ठी लिखते हैं तो मुझे लगता है पूरा का पूरा एलजी ऑफिस इंतजार करता होगा, अरे भाई एक एक सेकंड भारी पड़ रहा है, सुकेश जी की चिट्ठी कहाँ है, हमारे सुकेश जी की चिट्ठी कहाँ है। तो सुकेश जी की चिट्ठी पर जिन एलजी साहब को इतना मोहब्बत इतना प्रेम बढ़ता है और उसकी एक एक शब्द को वो ब्रह्म वाक्य मानते हुए सत्य मानते हुए उस पर, जिसे कहते हैं ना सुकेश जी की चिट्ठी को देख के उनकी बाछें खिल जाती हैं, उनका रोम रोम पुलकित हो उठता है एलजी साहब का। केजरीवाल जी की चिट्ठी को भी मंगा लेते भाई कहाँ है, स्वतंत्रता दिवस तो बहुत महान अवसर है, उसके बारे में अगर दिल्ली के सिटिंग सीएम ने एक चिट्ठी लिखी है तो उनके ऑफिस को एक डीजी ऑफिस में फ़ोन ही करना था, भाई सुना है केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखी है कहाँ है वो भेज दो, पर नहीं, इनको ना स्वतंत्रता से कोई लेना देना है ना इनको देश से कोई लेना देना है, इनके तो प्रेमी लोग सुकेश जी जैसे लोग हैं। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर गोपाल राय ने पत्र भेजा था जिसका जवाब विभाग की ओर से दिया गया है। दिल्ली सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने कहा कि झंडा अरविंद केजरीवाल ही फहरा सकते हैं। 15 अगस्त को झंडा फहराने के मुद्दे पर दिल्ली के मंत्री गोपाल राय को लिखे पत्र के जवाब में सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने लिखा है कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि उपरोक्त संचार यानी मंत्री का पत्र जेल के बाहर भेजे जाने वाले अनुमेय संचार की श्रेणी में नहीं आता है। ऊपर बताए गए नियमों के उल्लंघन में कोई भी लिखित या मौखिक संचार कानूनी रूप से वैध नहीं है, इसीलिए उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। देखिए, जो तिरंगा है वो चुनी हुई सरकार फहराती है,
चुनी हुई सरकार के मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री ठहराते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अभी जुडिशियल कस्टडी में है, उन्हें झूठे केस में गिरफ्तार करके जेल में रखा हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। उन्होंने ये इच्छा जाहिर कर दी है कि उनकी जगह मैं मंत्री के तौर पे झंडा 15 अगस्त को फहराऊं। उन्होंने पहले एक चिट्ठी लिखी तिहाड़ से एलजी साहब को, वो तिहाड़ जेल जहां से सुकेश चंद्रशेखर की हर चिट्ठी एलजी साहब को पहुंचती है, जिस चिट्ठी के आधार पे एलजी साहब सीबीआई इंक्वायरी भी कर देते हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की जब चिट्ठी एलजी साहब को जाती है तो अफसरों से कहला दिया जाता है कि जिसे पर्सनल लेटर बाहर जा सकती है, किसी भी प्रकार की ऑफिशियल लेटर बाहर नहीं जा सकती। ये कानून तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के लिए है, ये कानून सुकेश चंद्रशेखर जी के लिए थोड़ी है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी से गोपाल राय जी मिलने जाते हैं, गोपाल राय जी जीएडी मंत्री के बतौर आदेश देते हैं जीएडी विभाग को कि मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि उनकी जगह मैं एज मंत्री झंडा फहराऊं। उसके जवाब में भी अफसरों से कहलवाया जाता है कि नहीं, हम इस आदेश को नहीं मानते। तो ये क्या है, ये अंग्रेजों के राज की तरह एक नए भारतीय वायसराय साहब दिल्ली की जनता की इच्छा के खिलाफ, दिल्ली की जनता की चुनी हुई सरकार की इच्छा के खिलाफ जो सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक चुनी हुई सरकार के झंडा फहराने के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, इस सबसे तानाशाही की बुआ। फिलहाल सामान्य प्रशासन विभाग ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री की उपलब्धता के लिए उनकी सुविधा मांगी है। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय ने न्यायिक हिरासत में होने के कारण उनकी अनुपलब्धता का संकेत दिया, इसीलिए इस मुद्दे को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया। सामान्य प्रशासन सभी संबंधित विभागों के साथ मिलकर छत्रसाल स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए पिछली प्रथा के अनुसार सभी व्यवस्थाएं कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।